सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 टाटा पंच ईवी के बेस मॉडल की, जो कि है स्मार्ट वेरिएंट। सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। इस गाड़ी के प्राइसेस, कौन सा बैटरी पैक मिल जाता है, क्या क्या चीजें इसके एक्सटीरियर में है, क्या क्या चीजें इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने के लिए मिल जाती है। सर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार जरूर से कर लेना। स्मार्ट वेरियंट के ऊपर अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये गाड़ी शोरूम वगैरह पर अवेलेबल नहीं कराई गई है टाटा की तरफ से। लेकिन बहुत ज्यादा भाई लोग जो थे मेरे, वो कह रहे थे यार स्मार्ट का बनाओ, स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट में क्या मिल जाता है, थोड़ा सा बताओ हमको भी। तो यार मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूं स्मार्ट वेरिएंट के बारे में। अगर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो तो ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये है स्मार्ट वेरिएंट मेरे सामने। और सबसे पहले इस गाड़ी के डाइमेंशंस की बात करेंगे, क्या डाइमेंशंस मिल जाते हैं इस गाड़ी के। जो डाइमेंशन रहने वाला है, जो ये लेंथ में रहेगी गाड़ी, वो रहेगी 3827 mm की। विड्थ जो है सामने की, वो कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली है 1742 mm की। हाइट रहेगी 1615 mm की। और जो व्हील बेस रहने वाला है, वो रहने वाला है 2445 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं, कितना ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, वो मिल जाता है 190 mm का। बूट स्पेस जो मिलेगी, वो मिलेगी 366 liter की। बाकी इसके बैटरी पैक के बारे में बात करते हैं, कौन सा बैटरी पैक मिलता है हमको बेस वेरिएंट में। तो बेस वेरिएंट में हमको सिर्फ एक ही बैटरी पैक मिलता है, जो कि है शॉर्ट रेंज वाला। 25 kWh की बैटरी मिलती है 3.3 kW AC चार्जिंग के साथ। और साथ ही साथ जो ये प्रोड्यूस करता है 82 PS की पावर और 140 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। रेंज रहने वाली है 315 किलोमीटर की। चार्जिंग टाइम रहने वाला है 7 घंटा 30 मिनट। अब बढ़ लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। फ्रंट में अगर आप लोग देख सकते हो तो इधर हमको टाटा का लोगो मिल जाता है, यहीं से जो है आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। नीचे क्रोमिंग की फिनिश मिल जाती है इस तरफ पर, और साथ ही साथ पंच ईवी का जो है नेम प्लेट लगी मिलती है। इधर की तरफ बढ़ते हैं तो कोई भी भाई हमको फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलता है, इधर खाली छोड़ रखा है। इधर हमको हेडलाइट्स मिल जाती है। बाकी ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो तो DRLs हैं, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स इसमें नहीं आते हैं। बाकी अगर आगे की और बात करता हूं तो कोई भी फ्रंट सेंसर्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। थोड़े से ये डिजाइन एलिमेंट है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट से थोड़ा सा नीचे रखा गया, ताकि बेस को जो है डिफरेंशिएट कर सके। ये हो गई फ्रंट की बात। बढ़ते हैं साइड की तरफ। जो साइड में सबसे पहले नजर जाती है, वो जाती है इसके व्हील्स के ऊपर। जो व्हील्स आपको देखने मिलते हैं, वो मिलते हैं स्टील व्हील्स। और ये जो है इसके ऊपर ब्लैक कलर का कवर दे रखा है, जो कि इसको थोड़ा बहुत अलॉयज का लुक दे देता है। बाकी इसके व्हील्स की बात करता हूं तो 16 इंच के आप लोगों को स्टील व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आप लोग यहां देखो, डोर क्लैडिंग हमें देखने के लिए मिलती है। ईवी की बैजिंग जो है वो इधर प्रोवाइड कर रखी है टाटा ने। बाकी अगर आप डोर हैंडल्स देखो तो ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स प्रोवाइड करे गए हैं। इधर जो ORVM है, सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि इधर हमको इंडिकेटर नहीं देखे, ORVM पर ही इंडिकेटर प्रोवाइड करे हैं टाटा ने। बाकी आप लोग इधर देखोगे, जो हैंडल है गेट खोलने का, वो इधर प्रोवाइड किया गया, जो कि पुरानी स्विफ्ट में हमें देखने के लिए मिलता था। पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इसके साथ हमको हैलोजन इंडिकेटर दिए गए हैं, हैलोजन बैकलाइट के साथ प्रोवाइड किया गया है। टाटा का लोगो है इधर। टाटा का जो ये वाला लोगो है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, एम्बलम वाला कर रखा है टाटा ने प्रोवाइड। बूट है, बूट स्पेस बता दिया 366 लीटर का बूट स्पेस। पंच का यहाँ पे हमको बैजिंग मिल जाती है। पंच ईवी जो है पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड करा गया है टाटा की तरफ से। बाकी इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे टाटा का डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इधर रिफ्लेक्टर्स हैं, नीचे जो है पूरा ब्लैकआउट करा गया है। थोड़े बहुत स्किड प्लेट्स देखने के लिए मिल जाती है क्रोमिंग की, ताकि लुक जो है वो बढ़िया करा जा सके। इधर आप लोग देख सकते हो तो दो हमको रियर पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं टाटा की तरफ से। इस साइड जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या है। ऊपर कुछ भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि शार्क फिन एंटीना भी नहीं है और नॉर्मल वाला एंटीना भी नहीं है। हाँ भाई, नहीं है। अभी अंदर चल के बताऊंगा कि क्यों नहीं है। इधर हमको कोई वाइपर भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। स्टॉप लैंप जो है वो हमें इधर देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें स्पॉइलर भी दे रखा है। बाकी आगे का पीछे का सारी चीजें बता दी। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर जो है क्या क्या चीजें हमको टाटा ने प्रोवाइड कर रखी हैं। तो भाई अंदर से लुक आप चेकआउट करो। ये हमको यहाँ पे MID देखने के लिए मिल जाती है इस तरफ पर। मैं जूम करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि इधर को हमें MID मिल जाती है। इधर स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कोई भी कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी ये जो टाटा का लोगो है, ये हमें इल्यूमिनेटिंग दिया गया है इस गाड़ी के अंदर भी। बाकी अगर AC वेंट्स वगैरह की बात करता हूँ तो AC वेंट्स हमको ब्लैक कलर के देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप लोग देखो, जो इसका एक्सेंट यहाँ पे दे रखा है व्हाइट कलर के साथ, टाटा का जो डिजाइन एलिमेंट है वो देखने मिलता है। बाकी ऊपर जो है ब्लैक कलर की, जो बेस वेरिएंट में मिलता है, हैरियर में भी कुछ इसी तरीके का मिलता है। तो इधर देखोगे आप तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है मिसिंग देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ये आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, क्योंकि बेस मॉडल है, 11 लाख रुपए प्रोवाइड करती है टाटा मोटर इस गाड़ी के। तो यार कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा करी गई है। इधर की तरफ बढ़ते हैं इसके AC की तरफ, तो आप लोग देख सकते हो वही नेक्सॉन वाली AC प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर हमको बटन ये वाला अगर हम प्रेस करेंगे तो ये आगे का जो इसका चार्जिंग है वो खुल जाएगा। इधर हमको चार्जिंग के लिए बताता है, लॉक करने के लिए। इधर हैजर्ड लाइट्स हैं, इधर हमको बूट खोलने के लिए मिल जाता है, लॉक करने के लिए मिल जाता है। कैमरा इसमें नहीं है, तो ये जो है डेमो स्विच हमें दे रखा है। बाकी इधर से AC आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बड़ा घटा सकते हो, गर्म गर्म और ठंडा कर सकते हो। इधर से जो है फैन स्पीड तेज कर सकते हो। बाकी ये जो रहने वाला है, ये अंदर का सर्कुलेशन के लिए
है, बाकी ये आप लोग देख सकते हो कि किधर हवा सर्कुलेट हो रही है आपके मुंह पे पैर पे, बाकी एसी का कंट्रोल इधर है, ऑफ का इधर है, ऑटो का इधर है, बाकी इस तरफ जो है आप लोग देख सकते हो कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है, फोन की थोड़ी सी स्पेस है, और ये जितने भी बटन्स हैं वो जो है डेमो बटन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग इधर देख सकते हो, इधर जो हमको नॉब दे रखा है क्रोम की फिनिश में, थोड़ा सा नॉब है, न्यूट्रल का है, रिवर्स का है, ड्राइव का है, और स्पोर्ट मोड हमें प्रोवाइड कर रखा है। बाकी आप इधर देखोगे तो हमको नॉर्मल मैनुअल हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया गया। अब जो कोई भी चार्जिंग केबल इसमें नहीं है, चार्जिंग पोर्ट नहीं है, तो इधर 12 वोल्ट का इन्होंने चार्जर प्रोवाइड करा गया। दो कप होल्डर्स हमको मिल जाते हैं, सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। बाकी आप लोग यार इसका ये चेकआउट करो, इसकी सीट्स चेकआउट करो, कुछ इस तरीके की सीट्स मिलती हैं, ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक है, ग्रेइश है। बाकी अगर मैं डोर हैंडल्स वगैरह की बात करता हूँ तो नॉर्मल ब्लैक कलर फिनिश में हमको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ये जितने भी स्पीकर आपको मिल रहे हैं डेमो स्पीकर हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग बाहर आफ्टर मार्केट से इसको लगवा सकते हो। बाकी अगर मैं इसके डोर इधर की बात करता हूँ, ग्रैब हैंडल की जो आप पकड़ सकते हो, इसमें हमें थोड़ा सा यही फिनिश मिल जाता है जो हमें डैशबोर्ड में मिलता है व्हाइट कलर का। बाकी इस गाड़ी का दो ही कलर ऑप्शंस हैं, ये व्हाइट और ब्लैक में हमें मिलती है, आप लोग देख सकते हो। बाकी इधर एयरबैग्स हैं, 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इधर भी कहीं एयरबैग्स होंगे, इधर भी एयरबैग्स हैं। इधर हमको कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, बाकी पीछे दोनों की जगह है ग्रैब हैंडल मिलता है, पीछे की बात अभी थोड़ी देर में करूंगा। बात करते हैं इसके ORVM की, तो मैनुअली एडजस्टेड ORVM आप लोग देख सकते हो, आप इधर से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ड्राइवर साइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इधर क्या क्या है। भाई इधर जो है हमें दो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी कि आगे की जो दोनों फ्रंट हैं वो पावर विंडोज हैं, और इधर हमको चाइल्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी MID की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डिजिटल MID मिल जाती है, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है MID के। बाकी आप मतलब सिर्फ इसको ऐसे ही ऑपरेट कर सकते हो, जो चीज स्क्रीन में दिख रही है आपको सिर्फ वही रहने वाला है, कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्ट कर सकते हो, आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी नीचे की बात करता हूं तो नीचे आपको दो पैडल्स मिल जाते हैं ब्रेक और एक्सीलेटर के, बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है, क्लच नहीं है क्योंकि ये पेट्रोल नहीं है। बाकी अगर सीट्स की बात करता हूं तो सीट्स में हमें मैनुअली एडजस्टेबल आगे पीछे मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल सीट शायद इसमें प्रोवाइड नहीं करी गई है टाटा मोटर्स की तरफ से। अब यार बढ़ लेते हैं पीछे, कोई सनरूफ नहीं है। अब यार पीछे जाके देखते हैं कि भाई पीछे गाड़ी में क्या है, पीछे बैठ जाते हैं गाड़ी में और आगे का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अभी मैं नीचे दिखाता हूं आपको, तो यहां कुछ नहीं मिलता है क्योंकि बेस मॉडल है, इधर आपको ऐसी ही मिलेगा, थोड़ा सा फोन रखने की जगह आपको मिल जाती है, बाकी कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है। इधर स्पीकर्स हैं जो कि फेक है। बाकी नीचे की आप बात करता हूं तो इसमें विंडोज जो है वो रोल डाउन वाली हैं, आप घुमा के इसको ओपन और बंद कर सकते हो। इधर की तरफ बात करता हूं तो इधर आप लोग देखो व्हाइट कलर का वही एक्सेंट प्रोवाइड किया गया जो कि फ्रंट में है। बाकी सीट जो है यहां पे कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है, ना इधर है और ना ही इधर कोई सामान रखने की जगह। इधर जो है एयरबैग्स होंगे हमारे पास, ये देखिए यहां पे एयरबैग्स हैं क्योंकि 6 एयरबैग्स हैं। और जो सीट्स है ना यार, इसमें आइसोफिक्स, क्योंकि सेफ्टी का ध्यान बहुत रखती है टाटा, तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स भी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी जो नीचे भी स्पीकर्स हैं सारे के सारे डेमो स्पीकर्स हैं, यानी कि ये चलते नहीं हैं, बस जगह दे रखी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे कोई लाइटिंग भी नहीं मिलती है, बाकी जो लाइट्स हैं वो आगे ही हैं। यहाँ पे हमें IRVM मिल जाता है जो कि मैनुअली एडजस्टेड IRVM है। इधर ग्रैब हैंडल्स हैं, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड कर रखें। कोई भी पार्शल ट्रे नहीं मिलती है इसमें पीछे हमें बूट में, पीछे इसका बूट विजिबल नहीं है तो इसमें कोई भी पार्शल ट्रे नहीं मिलती है हमको। बाकी आप लोग देखो यहाँ पे हेडरेस्ट हैं, दो हेडरेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, कोई भी कप होल्डर इधर नहीं मिलता है और आर्मरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि बेस मॉडल है यार। ऑफकोर्स 11 लाख की गाड़ी है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। टॉप एंड वेरिएंट में भी टाटा ने काफ़ी ज़्यादा कटआउट करे हैं फीचर्स को, ताकि प्राइसेज जो है वो मेंटेन कर सके टाटा। बाकी ये था ओवरऑल लुक इसके अंदर का। आप लोग इधर भी अगर देख रहे होगे ना, मैं आपको एक बार आगे दिखाता हूं। अगर आप लोग इधर ऊपर देख रहे होगे, आप लोग सोच रहे होगे कि ये सब क्या है, इधर आपके पास सिर्फ नॉर्मल लाइट्स मिलती हैं ऑरेंज कलर की, और ये जितने भी आप लोग को ये स्विचेस देखने के लिए मिल रहे हैं ये सनरूफ के हैं जो कि इन्होंने ऐसी प्रोवाइड कर दिए हैं डेमो बटन्स के साथ। इधर भी बहुत जगह हमें डेमो बटन्स मिल जाते हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि ये जो डेमो बटन्स हैं ये काम करेंगे, काम नहीं करते हैं, बस लगा रखे हैं टाटा ने। तो इधर भी जो है कोई ऐसी खास चीज मिलती नहीं है, यानी कि फीचर्स में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप 11 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो आप लोगों को EV मिल जाती है, 315 किलोमीटर आप इस गाड़ी को चला सकते हो, 11 लाख रुपए की मिल जाती है एक ही बैटरी ऑप्शन के साथ। तो यार बहुत बढ़िया चीज है, 11 लाख रुपए में आपको मिल रही है, और इसका ऑन रोड जाता है वो भी कम ही जाता है क्योंकि सब्सिडी वगैरह ज्यादा नहीं देनी पड़ती है, हर जगह सब्सिडी लगा रखी है। तो EVs में जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहता है, जितने की है मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा देके आप लोगों को ऑन रोड पड़ जाएगी। बाकी यार आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये स्मार्ट वेरिएंट कैसा लगा, क्या स्मार्ट प्लस के ऊपर भी एक वीडियो निकालना चाहिए। बेस वेरिएंट मेरे भाई लोग बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे। एक्सटीरियर में चल लेते हैं यार, ये हो गया कुछ टाटा पंच का हमारा वॉक अराउंड वीडियो, कुछ कुछ फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। कुछ भी मिस आउट करा हो तो यार नीचे कमेंट में जरूर से बता देना, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। तो भाई जैसे ही ये गाड़ी हमको शोरूम वगैरह में अवेलेबल हो जाएगी, टाटा हमको अवेलेबल कराएगी, मैं इसका प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो दे दूंगा। अभी काम चलाने के लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो दे दिया है, सारी चीजें मैंने बता ही दी है, जो लोग बुक कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहेगा, सारा चीज कवर हो चुका है। और जैसे ही आएगी टाटा की शोरूम पे और टाटा हमको प्रोवाइड करेगी, मैं पूरा का पूरा वॉक अराउंड वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में।